मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने आज राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास मासिक मंदिर विद्यालय एवं स्पर्श विद्यालय बालिका का औचक निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं को देखा। मंडलायुक्त ने सर्वप्रथम राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां पर उपस्थित छात्राओं के द्वारा बताया कि पाइप फट जाने से पानी की कुछ समस्या है। मंडलायुक्त ने इसको तत्काल ठीक कराने के लिए जलकल के अधिकारियों को मौके पर जाकर देखने को कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के लिए कुछ कूड़ा पात्र भी रखने को निर्देश दिया है। उन्होंने उप निदेशक समाज कल्याण से कहा है कि वह यहां देखे कि छात्रावास में पात्रता के अनुसार ही लोग रहे। इसके उपरांत उन्होंने मानसिक मंदिर विद्यालय में जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने वहां के वार्डन और संबंधित को निर्देश दिया है कि दिव्यांग बच्चों को ठीक प्रकार से रखें एवं साफ सफाई के लिए जो भी आवश्यकता हो उसकी सूची बनाकर दें, उसको उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक समाज कल्याण, उप निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण एवं जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी उपस्थित रहे।